अंकल की हेल्प करवाई थे ना, मैं रुपए लेके आता हूँ, वरना अंकल जाने नहीं देंगे अपने को। जल्दी से मुँह पे लगी हुई है, भूल गया था मैं, मतलब वैसे ही मन कर गया यार। मैं कहाँ जाना है आपको ये बताओ? शादी। तो शादी किसकी हो रही है ये तो बताओ मेरे को, इधर इधर मुँह करके बात करो, शादी किसकी हो रही है, किसकी शादी में लेके जाऊँ? फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने ना मेरा ग्राउंड इसी को बना लिया, क्योंकि भाई सुबह सुबह ठंड में उठ के बाहर जाना ग्राउंड पे आफत हो जाती है बहुत ज़्यादा, हाथों की तो कुल्फी जम जाती है जब बाइक चलाता हूँ। तो मेरा मन तो यही कर रहा है, अभी सर्दियाँ तो हम यहीं पे एक्सरसाइज करेंगे। और आपको भी बता रहा हूँ भाई, घर पे एक्सरसाइज कर लो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक्सक्यूजेस मत लगाना कि यार ठंड है एक्सरसाइज नहीं हो रही, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, रात को ये वाला गेट भी बंद कर देता हूँ लकड़ी वाला, और वो वाला भी बंद कर देता हूँ, और भाई अंदर है ना पूरी गर्मी रहती है, और फटाफट से ब्लैंकेट से निकलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और जल्दी पसीना आ जाता है और भाई दिन अच्छा निकल जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप भी ट्राई करके देखना, एक्टिवनेस रहती है बॉडी में। और सर्दियों में तो भाई एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिवनेस रहती है और ठंड भी कम लगती है थोड़ी, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, वैसे मैंने पिछले साल भी करता ही था एक्सरसाइज, तो कभी मतलब ऐसे डिले की नहीं। वो तो आजकल थोड़ा बहुत व्लॉग में बिजी रहता हूँ, तो एडिटिंग वगैरह ये सब समझ रहे हो। तो खैर अभी दुकान पे जाएंगे, और आज स्टॉल वगैरह लग चुकी है, और देखता हूँ कि क्या क्या सामान आया हुआ है आपकी शॉपिंग के लिए, और जो सामान कम है वो मुझे और लाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं दुकान पर और देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। आज विनोद भैया को कहाँ भेज दिया मम्मी? हैं? मुझसे बात ना कर। क्या? मेरे से बात करने की जरूरत कोई नहीं ना। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं। ठीक है। मम्मी मुझसे नाराज है, लेकिन नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, कैसे? मम्मी के मुंह पे अब स्माइल आ गया। अरे मम्मी नाराज है। अच्छा सॉरी, बात तो सुनो। तो आज मम्मी मुझसे पता नहीं क्यों नाराज है। तो नमस्ते भाभी, मम्मी को ना मना लेना, ठीक है? मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ अभी, पता नहीं कभी पापा नाराज हो जाते हैं, कभी मम्मी हो जाती है। खैर आज पापा भी नाराज हैं, वैसे तो मुझसे बात थोड़ी अलग हो गई थी रात को। एक्चुअली ना घर वाले थोड़ा सपोर्ट कम दे रहे हैं, तो मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, और तो मम्मी और पापा दोनों मुझसे नाराज हो गए। खैर मना लूंगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, मान जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी। कहाँ जाना है आपको ये बताओ? शादी। तो शादी किसकी हो रही है ये तो बताओ मेरे को, इधर इधर मुँह करके बात करो, शादी किसकी हो रही है, किसकी शादी में लेके जाऊँ आपको, मैं ये बताऊँ। है सेजू, करोगे क्या शादी में जाके? घर पे लेंगे कुछ खाना है, तो आपका शादी से क्या लेना देना है सेजू? शादी से जाना है। क्यों जाना है, यही तो पूछ रहा हूँ। अभी जाना है। अभी तो सुबह है, सुबह तो किसी की शादी होती नहीं, रात को होती है शादी, तो रात को जाएंगे ना, अभी तो किसी की शादी हो ही नहीं रही। अभी चलो ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, आप चले जाना जिसकी भी शादी हो, ठीक है? अभी सामान वगैरह तो नहीं लगाया, सिर्फ रंगोली के कलर्स लगाए हैं, वो भी थोड़े से हैं। तो अभी पूरा सेटअप तैयार हो जाता है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और मुझे डर लग रहा है पापा से मैं बात करूँ या ना करूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि रात को थोड़ा ज़्यादा पारा हाई हो गया था। तो देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। मेरे आपको बोलते हैं कि व्लॉगिंग करना छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता मैं, आदत हो गई अब डेली, मतलब ऐसे व्लॉग बिना व्लॉग के शुरुआत ही नहीं कर सकता मैं दिन की, बिल्कुल भी नहीं। हाँ गुस्सा शांत हो गया आपका? मेरा तो गुस्सा शांत फिर जो जो समझाया गया वो समझ लिया। क्या समझो? जो तो समझाया गया। चलो ठीक है, समझ जाऊंगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या बात है। टाइम हो गया समझ समझो उसको। चलो ठीक है, कहते हैं मानो। हैं? जो मम्मी कहती है वो मानो। ठीक है, जो मम्मी कहती है वो मान लेंगे। ठीक है, तो
तो भाई ये सारा सामान लग चुका है, अब डिस्प्ले आ चुका है और खैर दिवाली की शॉपिंग कर सकते हो, बस वो आप ले सकते हो। और ये लटकन है और ये बंदरवार वगैरह है और जो माला वगैरह लगाते हैं वो सारी चीज़ें हैं और रंगोली के कलर्स हैं और स्टेंसिल्स भी हैं। बस अभी थोड़ी सी कमी रह गई, वो पूरी कर लेते हैं। गोटू जाएगा मेरे साथ मार्केट, मार्केट जाएगा मेरे साथ, स्कूटी मैं चलाऊंगा, स्कूटी मैं चलाऊंगा क्या। हाँ इसको ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है बेचारा, तो खैर मैं ही चलता हूँ और देखते हैं आज क्या कुछ करने को मिलता है। मार्केट में वैसे भीड़ बहुत होने वाली है क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है यार। नमस्ते भैया, कैसे हो? देख ही नहीं रहे आप तो, इधर तो देखो क्या हो गया, इधर देखो हंस क्यों रहे हो फिर। अच्छा जूस बना दो एक भाई के लिए, तबीयत खराब है भाई की थोड़ी सी। कोई बात आप नहीं पियो? मैं ना, मैं नहीं पीऊँगा, बनाना शेख ये यार, तू नहाता क्यों नहीं? एक तो नहाया कर घोटू, सुई लगी हुई है भाई को, ध्यान नहीं रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, दो चार दिन और मत नहाइयो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या है, तुमको नहाना है नहीं नहाना तुम्हारी। अरे इतनी अच्छी स्माइल, मतलब मजा आ जाता है देख के। मैं नहीं पी रहा, ऐसे है भैया कैमरे से डरते नहीं है, इधर देखो कैमरे में शर्मा रहे हो यार, देखो तो शर्मा रहे हैं बहुत ज़्यादा। खैर जूस वगैरह ले लिया मैंने, एक पैटिस भी खा ली थी, मुँह पर लगी हुई है, भूल गया था मैं, मतलब वैसे मन कर गया यार मेरा पैटिस खाने का, क्यों एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ, क्यों अभी खाना नहीं आता इसलिए मैंने पैटिस खा ली और घोटों ने जूस पी लिया, अभी भी लगी हुई है। तो चलते हैं, खैर जो काम है वो ख़त्म करते हैं पहले। तो एक जगह से तो सामान ले लिया है और अभी भाई दो तीन जगह पे और जाना है, तो फटाफट से फटाफट पारी करते हैं क्योंकि आज शाम को भी थोड़ा सा रश हो जाएगा शॉप पे। चलते हैं जल्दी। अरे क्या हाल है अंकल जी, मार्केट में भीड़ ही बहुत है, 4:08 हो गए। और ये रहा भाई, क्या नाम है भाई? राहुल भाई, राहुल नाम है भाई, हेलो कर देना यार फिर, देख रहा है कमाल है। चलो खैर कोई नहीं, ऐसे ना अचानक से लोग ऐसे वो हैरान से हो जाते हैं यार, क्या बोले क्या ना बोले, तो खैर कोई बात नहीं। ऐसे सामान वगैरह ले लिया है और अभी दुकान की तरफ ही जाएंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि हाँ भाई कैंडल्स वगैरह भी आ चुकी हैं सारी। चलते हैं बस। तो ये जो लाइट है ना, ये पटाखे बज रहे हैं इसमें अजीब से, पट 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 भाई अभी भी बज रही है अभी भी। तो ये भाई की शॉप है, क्या नाम है भाई? भाई का नाम ज्यादा शोर आ रहा है उसका, और भाई की दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट में विष्णु मंदिर मार्केट 18 नंबर में। अगर किसी को लेनी हो तो ले लेना, रेट बताऊं 2000 रुपए। तो मेरा तो मूड थोड़ा सा तब गया रेट सुन के, अगर आपका करे तो ले जाना। खैर अभी मार्केट से सारा सामान ले लिया, काम हो चुका है, तो अब दुकान की तरफ चलते हैं। ये लास्ट पीस पड़ा था वैसे, कल आ जाएगा, ये वाली लाइट है, ये वाली नहीं। क्या क्या बवाल आए हुए हैं मार्केट में। तो भाई दुकान पे आ चुका हूँ फाइनली, 4:45 हो गए, दोपहर को गए थे 2-3 बजे। और ये है हेलो भाई गट्टू का दोस्त, गट्टू छुप रहा है कैमरे से, और भाई का नाम अर्जुन, अर्जुन है भाई, सब्सक्राइबर है अपना, और भाई कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। खैर करते नहीं है जल्दी से कमेंट, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, अच्छा नहीं लगता क्या मेरा ब्लॉग अच्छा है। चलो फिर कमेंट भी करना, अभी मैं आपको बताता हूँ सामान वगैरह, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ओके ब्रो बाय। खैर मैं वहाँ पे उस दुकान की तारीफ कर रहा था, उस दुकान की लाइटें वगैरह अच्छी थी, वो मेरे को तो सबसे यूनिक है ना वो वाली लाइट लगी जो कि पट 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 पटाखे बज रहे थे जिसमें, है ना। और भाई हमने भी लगा रखी है लाइटें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो ले सकते हो। और बाकी और सामान आया हुआ है, और अभी जो कैंडल वगैरह दिखानी थी मुझे, तो ये रही कैंडल वगैरह, ये थोड़ी यूनिक है, इसके नीचे तो पानी है और ऊपर वैक्स है, तो वैक्स नहीं सॉरी जेली जेल, हाँ वैक्स जेल,
तो मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे ऊपर नीचे, तो चलता है ठीक है। तो बाकी बहुत सारा सामान है, तो ले सकते हो, आ सकते हो जिसका मन करे। तो धक्का नहीं है कोई, मतलब बल्ब 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 रंजन भी बल्ब बेच रहे अपने, ये बल्ब बेच रहे रंजन 100 रुपए के 4 बल्ब। तो भाई ये भी ले लेना अगर जिसको चाहिए हो तो। और अभी भाई शाम तक यहीं बैठना है आज और काम करना है। आज क्या, आज कौन थे, 31 तारीख है, 1 2 3 4 तक मैं बुकड हूँ, बहुत पूरी हाँ बिजी कह सकते हैं, बुकड नहीं बिजी कह सकते हैं। तो अभी काम वाम करते हैं थोड़ा सा और बैठे हैं। खैर आज काम काम के चक्कर में खाना खाना याद ही नहीं रहा, मतलब याद तो क्या नहीं रहा, पापा ने तो नहीं खाया आज, और मैंने तो खैर पैटिस खा ली थी चोरी चुपके से। वैसे मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था कि ना पता लगे, लेकिन वो मुंह पे पैटिस लगी हुई थी, पता लग गया। खैर कोई बात नहीं, आगे से नहीं छुपाऊंगा। मैं सोचा यार डाइटिंग पे हूँ तो क्यों बताना पैटिस खा ली मैंने, तो इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पापा को भूख लगी है तो मनु जा रहे हैं, और दीपक ने भी खाना नहीं खाया, पापा ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो अभी कुछ स्नैक्स ले आएंगे, जैसे कि बता दूंगा आप रिलेट कर जाओगे उस चीज़ से। वैसे बचपन में ना मैंने, और मतलब आप सब ने भी, मेरे जो मतलब दोस्त हैं और जो मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, उन सब ने बहुत खाई है भाई, और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो अभी बस जाते हैं वहाँ पर लेने। मनोज तो आया नहीं है और पापा को लग रही है भूख, और पापा कह रहे हैं जल्दी लेकर आ भाई, बहुत भूख लगी है। तो मैं खैर घोटू के साथ ही जा रहा हूँ। ये आ गया घोटू, उदास क्यों है भाई तू इतना, हॉस्पिटल में जाना शायद इसको रात को। टिक्की वाले अंकल, हाँ बीच में चल जाएगा अंकल फोन, अरे गर्म हो जाएगा, नहीं नहीं चल जाएगा। तो अंकल है ना सूखी टिक्की बनाते हैं, और पहले हम तो स्कूल में खाते थे भाई, बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, और अर्बन स्टेट वालों ने तो खासकर खाई होगी, और मैं तो खाता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी बीच में कम आ रहा था, लेकिन पापा ने याद दिलाया कि हाँ वहाँ से टिक्की ले, मुझे भूख लगी है। तो ऐसे ऐसे बाकी आप सब तो बहुत लोगों ने यार खाई है यहाँ की टिक्की, मुझे जहाँ तक लगे, पर सबसे स्पेशली तो पता ही है सूखी टिक्की। पहले 5 रुपए की एक आती थी, लेकिन अब अंकल ने रेट बढ़ा दिया, 10 रुपए की एक कर दी। अंकल ऐसा है क्या, मेरे को कुछ अंकल कह रहे क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हो, छोटी सोच, चलो ठीक है 10 की बना दो, कोई बात नहीं। खैर अभी मैं पैक करवा लेता हूँ और फिर दुकान पे जाता हूँ, और आज बहुत ज्यादा काम है दुकान पे। ये आ गई सूखी टिक्की मसाला नींबू डाल के, जो कि सिर्फ 10 रुपए की है। और वैसे अंकल जी और भी दही बल्ले वगैरह भी बनाते हैं, अंकल एक भी थोड़े से काम में बिजी हैं, कोई बात नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, आराम से करो। 6 सिंगल है ना, 6 सिंगल की लेने तो तू आ गया, अंकल की हेल्प करवाई तो ना, मैं रुपए लेके आता हूँ, वरना अंकल जाने नहीं देंगे अपने को। जल्दी जा, अरे जल्दी जा। पापा टिक्की तो लाने भेज दिया आपने, रुपए तो दिए ही नहीं, देना रुपए देना, सॉरी यार रुपए तो दो, सच्ची प्लीज ना। अच्छा अभी लार पैक करवा दी हमने, रुपए रुपए भूल गए थे हम, देना जल्दी दे दो। डांट पड़वा दी आज तूने धक्की, हाँ अंकल जी लाओ हमारी टिक्की दे दो हमको, ये लो रुपए जल्दी। अंकल ने हमको 10 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया, थैंक यू अंकल जी। ये लो पापा, आपको जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई आ गई, खा लो। आदि देव तो हेलो कौन करेगा, हेलो। तो ये भैया हमारा सब्सक्राइबर है, और जो कि बहुत ही प्यारा है, और ये बोला भैया मुझे व्लॉग में ले लो, आगे व्लॉग में हैप्पी। अभी भैया काम कर लें, कस्टमर से बिजी हूँ मैं, ओके मिलते हैं बाद में, ओके थैंक यू। कमेंट भी करते रहो व्लॉग्स पे, ठीक है। तो ऐसा है, मैं दुकान पे काम कर रहा था और ये भाई मुझसे मिलने आए, और भाई आपका नाम क्या है, नमन नाम है भाई का, और भाई का कल ही कमेंट आया था, मतलब कल वाले ब्लॉग पे कमेंट आया था
और भाई ने बोला था कि भैया मैं ना आपसे मिलने आऊँगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप मुझसे मिलने आए, थैंक यू सो मच। और हेलो कर दो यार ऑडियंस को, हेलो फैमिली, हेलो फैमिली, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आप मुझसे मिलने आए, ठीक है। और भाई कमेंट भी करता है, आप भी करो यार कमेंट प्लीज़। तो अभी खैर भाई, वैसे भाई जग्गे का फ्रेंड है, हिमांशु जग्गा तो जान ही जाएगा खैर, क्योंकि वो भी देखता है रोज व्लॉग। तो अभी मिलते हैं ब्रो बाद में, ठीक है। हैप्पी दिवाली आपको। ओके तो भाई टाइम हो चुका है 9:03 और बस दुकान बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि अब तो कोई कस्टमर आ नहीं रहा। और वैसे मुझे भाई आज बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा दिन दुकान पे रहा और कुछ कुछ कस्टमर्स मुझसे स्पेशली मुझसे बोले भैया आपके व्लॉग्स देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि भाई ऐसे स्पेशली कोई मुझसे मिलने आ रहा है। और एक बंदा तो लास्ट वाला जो नमन भाई आया था और उन्होंने बोला था कि भैया मैं आपके व्लॉग्स डेली देखता हूँ, और उसने तो भाई ने कमेंट भी किया था, तो भाई थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच, मेरी पूरी फैमिली यार आई लव यू ऑल, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए क्योंकि व्यूज़ में ना कोई फ़र्क नहीं आ रहा, डेली भाई व्यूज़ आ रहे हैं 350, 400, 500, इतना कुछ अच्छा रिस्पांस दो यार, सब्सक्राइबर तो इतने सारे हैं और व्यूज़ आ ही नहीं रहे। अभी शायद दिवाली चल रही है इसलिए सारे बिजी हैं, आई होप दिवाली के बाद सारे फ्री हो जाएँ और मेरे व्लॉग्स देख लें, ठीक है। तो अभी तो चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड आई लव यू ऑल। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और एक बात एक कमेंट याद रखना। और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे नीचे और घंटे का बटन दबा दो और कमेंट तो करते ही रहो। ओके बाय 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 बाय।